तो चलिए अब सिर्फ लास्ट के दो ही प्रिंसिपल बचे हैं, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हमारा फेयोल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कंप्लीट हो जाएगा। अभी तक हमने 12 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कंप्लीट कर लिए, अब लास्ट के दो बचे हैं जो कि बहुत ही इजी है, स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा इनिशिएटिव। इनिशिएटिव अगर मैं आपको बताऊं तो क्या होता, अगर आपके स्कूल में कोई प्लानिंग हो रही है तो सिर्फ जो फर्स्ट बेंच में चार लोग बैठे हैं उनको ही उस प्रोग्राम से रिलेटेड एडवाइस दी जाती कि कैसे करना है, उनसे ली जाती, आपसे नहीं पूछा जाता। या क्या होता अगर स्कूल वाले कुछ फंक्शन प्लान कर रहे हैं तो वो खुद ही कर रहे होते, आपको उसको इसमें इन्वॉल्व ही नहीं करते। या आपके क्लास वाले कुछ फंक्शन प्लान कर रहे हो उसमें आपको इन्वॉल्व ही ना, आपको कैसा, आपको लेफ्ट आउट, डीमोटिवेटेड, आप फ्रस्ट्रेट रहोगे, आपके आइडियाज को वैल्यू नहीं किया जाएगा, वो लोग सिर्फ चार लोगों के आइडियाज को ही ले रहे हैं। और क्या होता अगर आपके स्कूल में जो भी फंक्शन होता उसमें आपका पार्टिसिपेशन होता, आपको बोलते कि आप जाओ, आप आगे करो, स्पीच दो, आप अपने आइडियाज दो कि कैसे हम इसको, तो आप ऑल ओवर सब मोटिवेट फील करते और उनको लगता कि हम इस फंक्शन का पार्ट है और उनको एज अ वैल्यू दी जा रही है, तो वो मोटिवेटेड, वही बोलता है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ये बोलता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में हर एक एम्प्लॉय को चांस मिलना चाहिए कि वो थोड़ा आगे बढ़े, उसको अपने पॉइंट रखने की, उसको इनिशिएटिव आगे बढ़ने की एक प्लेटफॉर्म देना चाहिए। प्लस अगर कोई प्लान रूल्स बनाए जा रहे हैं या तो अगर बोला जा रहा है कि ये टारगेट कब तक अचीव करना है तो उसमें उनकी राय भी ली जानी चाहिए, उनसे आइडियाज एक्सचेंज करना चाहिए, उनका वैल्यू अगर हम देंगे तो उनको इम्पोर्टेंट फील होगा कि उनका डिसीजन भी मैटर करता है और उनसे भी एडवाइस ली जा रही है, इससे इनिशिएटिव उनको फील होगा और वो एकदम मोटिवेटेड होंगे और एक टीम स्पिरिट बिल्डअप हो जाएगा कि यस मुझे भी इन्वॉल्व करना है, मतलब मुझे अच्छे से वर्क करना है। तो देखते हैं इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या है। ये होता है डेवलप अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस। अगर आपसे पूछा जाता है, आपको उसमें इन्वॉल्व किया जाता है तो आपको लगता है अरे भाई मैं भी इसका पार्ट हूँ, मतलब आई एम ऑल्सो समवट रिस्पॉन्सिबल और समवट इम्पॉर्टेंट इन दिस फंक्शन, तो आप एक बिलोंगिंगनेस आ जाएगी और आप अच्छे से काम करोगे। दूसरा आता है अचीव टारगेट ऑन टाइम। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर सबऑर्डिनेट, ये जो सुपीरियर है, उन्होंने ऑर्डर दे दिया आपको बताए बिना कि आपको मंडे तक ये वर्क कंप्लीट करना है, मतलब आपको 10 पैकेजेस बनाने, और एम्प्लॉय से पूछा भी नहीं तो वो कैसे कर पाएगा, उसको बर्डन फील होगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा कि इतना ओवरलोड दे देते हैं। और अगर उनको बोला जाए कि हमें 10 पैकेट्स का ऑर्डर मिला है तो मैं कौन सी डेट दूँ, कौन सी डेट में डिलीवर हो पाएगा, आप आइडियाज हो, आइडिया एडवाइस एक्सचेंज होगी और जो कंक्लूजन बैठेगा उसमें अगर एक डिसीजन देगा सुपीरियर तो सबऑर्डिनेट मोटिवेट फील करेंगे और टाइम पे उसको वर्क कंप्लीट करके देंगे क्योंकि अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनसे इन्वॉल्व किया गया है इस डिसीजन में। अगर आप इसको फॉलो नहीं करते तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस होंगे कि एम्प्लॉयज अपनी बेस्ट एबिलिटी पे काम नहीं कर पाएंगे, अगर उनको इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही है, उनको प्लेटफॉर्म नहीं दी जा रहा, उनका एडवाइस नहीं जा रही है तो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। प्लस डीमोटिवेट हो जाएंगे कि हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं, हमारा कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, हम बिलोंग ही नहीं करते। प्लस अगर उनसे बिना पूछे उनको टारगेट पे टारगेट देंगे तो वो फ्रस्ट्रेट भी हो सकते हैं। तो ये था हमारा इनिशिएटिव प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, बहुत ही ईजी है। लास्ट वाला देखते हैं एस्पिरिट डिकॉप्स। एस्पिरिट डिकॉप्स ये बोलता है कि एक टीम स्पिरिट होना चाहिए, क्या टीम स्पिरिट होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, टीम अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है तो हार्मोनी और सब पर्सन को इन्वॉल्व करके ही उनको काम करना चाहिए, उनको आई जो रहता है उसको रिप्लेस कर देना चाहिए वी से। अगर हम वी समझ के, हम समझ के काम करेंगे तो रिजल्ट अच्छे होंगे और एक टीम के अकॉर्डिंग अगर हम काम करेंगे, अगर किसी एक डिपार्टमेंट को काम दिया गया है और हर डिपार्टमेंट सिर्फ अपना ही देखेगा, अगर यहाँ के एम्प्लॉय खाली बैठे हैं तो इस डिपार्टमेंट में हेल्प करने जाए, क्यों, क्योंकि वो पूरी टीम है और वो टारगेट अचीव करना चाहते हैं सब मिलके, तो आई को रिप्लेस करके वी करके काम करेंगे तो कंपनी में काम अच्छा होगा। अगर मैं एग्जाम्पल दूँ कि कोई टारगेट दिया गया और ये दो एम्प्लॉय सिक हो जाते हैं तो दो एम्प्लॉयज बीमार पड़ के वो काम नहीं कर सकते तो बाकी उनको हेल्प करेंगे, मतलब वो नहीं सोचेंगे उसका काम था तो मैं क्यों करूँ, सब एक साथ मिलके करेंगे, उसको बोलते हैं स्पिरिट डिकॉप्स। उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स ये हैं कि डेवलप करता है टीम स्पिरिट, टीम स्पिरिट लाता है कि हमें करना है, हमारा टारगेट है ये, फिर अगर अच्छे से काम करते हैं वो लोग टीम की तरह काम करेंगे तो वो ग्रुप गोल को भी अचीव कर सकते हैं। नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ये हैं इसके कि टीम जो है वो टारगेट
वो अचीव नहीं कर पाएगी, जो टीम का टारगेट रहेगा। अगर वो टीम स्पिरिट के साथ काम नहीं करेंगे, एक साथ मिलकर काम नहीं करेंगे, तो उनके कोई भी टारगेट अचीव नहीं हो पाएंगे। फिर मोर स्ट्रेस ऑन इंडिविजुअल, अगर टीम के हिसाब से वो काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक ही को बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है और टीम को नहीं देखा जा रहा, तो एक बहुत स्ट्रेस ऑफ हो जाएगा। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया हमारे पूरे 14 फायोल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप एक एक करके इसको अच्छे से नोट्स बनाना, इसकी बहुत सारी केस स्टडी सॉल्व करना और आपको समझ में आ जाएगा। जितने ज्यादा आप इसकी केस स्टडी लगाते हैं, उससे ज्यादा आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाती है कि कौन से क्वेश्चन में क्या आंसर हो सकता है। क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो अभी रुकना, अभी बचे हमारे टेलर के प्रिंसिपल भी बचे हैं, उससे डील करते हैं नेक्स्ट की वीडियो में।